पंजाब असेंबली में शहर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गूंज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन में इत्तेफाक। लीगी रहनुमा शेख अलाउद्दीन कहते हैं शहर की हदूद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। लाहौर के मास्टर प्लान के ताला आजमाओं ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। वजीर कानून राजा बशारत बोले माजी में इदारों को घर की लॉन्डी बना रखा। सरकारी जमीनों की बंदर बांट की गई। शहरों की असल शक्ल में बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन मंसूबा खजाने पर बोझ। 10 अरब रुपए सिर्फ माहाना अखराजात के लिए दरकार। हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ की मुतहम्मल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं खाली खजाने के साथ ऐसे चोंचलों को कैसे जलाया जा सकता है। शाहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के आवाम के साथ जुल्म किया। मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं। कम से कम नुकसान की कोशिश है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अरबों रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले। शेख जफर इकबाल फ्लोर मिल्स राइस मिल्स पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन के मालिक हैं। आमदन से जायद असासा जात कैसे बनाए। नैब ने पूछगछ का आगाज कर दिया। जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के मुतलका इदारों को मुरासले लिख दिए। हुस्न संवारने के नाम पर हुस्न बिगाड़ने वालों की शामत आ गई। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की खसूसी टास्क फोर्स तश्कील। स्टोरों पर गैर मायारी करीमें और कॉस्मेटिक्स की छानबीन शुरू। गैर मायारी कॉस्मेटिक्स का सामान जब्त और स्टोर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का बेड़ा। लाहौर न्यूज की निशानदही पर सफाई के निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ। एबिट रोड से गंदगी के ढेरों का सफाया। अरसे से जमी धूल मट्टी धो डाली। सड़क चम चम कर उठी। LWMC के MD फरुख कयूम का मॉल रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। एबिट रोड पर बल्दिया उस्मा का तजावजात के खिलाफ भी ऑपरेशन। सामान जब्त कर लिया गया। एपका मुलाजमीन की एहतजाज के बाद सुनवाई। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुलाजमीन की ताहाल दुहाई। एपका मुलाजमीन के सूबाई वजीर कानून के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मॉल रोड पर धरना खत्म। राजा बशारत की मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा पूरा करवाने की यकीन दहानी। लैंड रिकॉर्ड मुलाजमीन का नासिर बाग में मुजाहरा। मुज़ाकरात के लिए कोई ना आया। मुलाजमीन का मुतालबात पूरे होने तक दफातर बंद रखने का फैसला। जिना अस्पताल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नए हेड की तकरारी पर अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले में दरारें। फिजियोथेरेपिस्ट और YDA के सीनियर डॉक्टर्स आपस में उलझ पड़े। डिपार्टमेंट में हंगामा आराई। जिना अस्पताल मैदान जंग बन गया। मामले के हल के लिए कमेटी बना दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिब्बी मुआयना तहफ्फुज़ के लिए ज़िलाई सतह पर काउंसिल्स बनाई जाएंगी। हुकूमत को वर्करों की सेहत का ख्याल आ ही गया। सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट लाने का फैसला। बिल के तहत कारखानों फैक्ट्रियों या काम करने वाली जगहों को बनाने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेना लाजिम होगी। मुलाजमीन को तहफ्फुज़ न करने की सूरत में कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकेगी। मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। वजीरे इत्तेलात फयाजुल हसन चौहान एक मरतबा फिर मीडिया से उलझ पड़े। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी के सवाल करने पर चिराग पा। मीडिया को तमीज करनी चाहिए। वजीरे इत्तेलात गुस्से से लाल पीले हुए और चल पड़े। सहाफी सूबाई वजीर के रवैये से नाला। फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी का घेराव करके एहतजाज किया। वजीर इत्तेलात का सहाफियों से रवैया। पीपल्स पार्टी ने मजम्मत कर दी। फयाज चौहान की तरबियत में अखलाकी कमी रह गई। सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की गुफ्तगू।
लाहौर के व्हाइट हाउस की बुनियाद ही रखी गई खराब। खोखर पैलेस की तामीर में काली नीयत, गड़बड़ घोटाला। 7 मौजा जात का 1 मौजा बनाया गया। इंतकाल कवानीन के बरक्स हुआ। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुकम्मल। मजीद इनकशफात से पर्दा उठने लगा। मौजा जात का इंजमात खारिज किया जाए। तहकीकाती टीम ने महकमे माल को सिफारिश कर दी। खोखर बरादरान की एक मरतबा फिर अदालत पेशी। सेशन कोर्ट ने अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर और शफी खोखर की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। 19 जनवरी तक पुलिस से रिपोर्ट तलब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तिब्बी हालत, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत मंजूरी की दरखास्त की तैयारी। वकला की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमानत का ड्राफ्ट तैयार। दरखास्त जमानत आइंदा चंद रोज में लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी वजारत कानून की शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक केस की तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुरासला इरसाल। ख्वाजा साद रफीक का भी सुप्रीम कोर्ट पेशी के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। तवानाई का बहरान, ऊपर से महंगाई के घेरे, अवाम फंस कर रह गए। टमाटर की कीमत का सुनकर ही रंग लाल। 20 से 30 रुपए फी किलो सरकारी रेट, जबकि 60 रुपए से कम नहीं बिक रहा। हंडिया की बुनियादी जरूरत महंगी होने पर शहरी चकरा गए। टमाटर ने तो हद ही मुका दिया, अभी भी हमने लिए और बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर। टमाटर जो है वो 60 रुपए हो गए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सारी तकरीबन सब्जियाँ महंगी हो गई है। 30 रुपए किलो से अब 60 रुपए हो गए हैं, तो अब हर हांडी में डालना है, हर चीज में डालना है, तो अब आम किधर जाए। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तआफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर जो है 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाबे इख्तियार तक। मजंग टीचिंग अस्पताल में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। साल के आखिर तक सूबे भर में हेल्थ कार्ड तकसीम कर देंगे। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की याद में तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काजी हुसैन अहमद के साहबजादे आसिफ लुकमान काजी और दीगर की शिरकत। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। काजी हुसैन अहमद बड़े इंसान थे। सिराजुल हक यादों से जुड़ा वाकया बयान करते हुए आप दीदा हो गए। और सालनों में महकमे एक्साइज के पुरकशिश नंबरों की नीलामी। शहरियों ने मनपसंद नंबरों पर दिल खोल कर रकम खर्च कर डाली। LE1 11 लाख रुपए में फरोख्त, 786 नंबर 3,03,000 में बिका।